सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया। दोस्तों यहां पर मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दो डिवाइसेस के बीच में, Xiaomi का MIA1 और यहां पर है नया डिवाइस Honor 7X। नाउ कमेंट्स में भी काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। नाउ जो प्राइस रेंज है और जो स्पेसिफिकेशन वाइज है, ऑन पेपर तो लगता है दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों में से फास्ट कौन है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड टेस्ट, एंड उसके बाद मैं एक कैमरा कंपैरिजन भी जरूर लेकर आऊंगा इन दोनों फोन्स में, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि दोनों फोन्स में से आपको किसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन एस्पेक्ट की, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स की। तो A1 में लगा है स्नैपड्रैगन का 625, काफ़ी अच्छा चिपसेट है। Adreno 506 GPU का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, 2 GHz की फ्रिक्वेंसी पे क्लॉक्ड है और 64 bit का प्रोसेसर है और 4 GB की रैम यहाँ पर इस मॉडल में मिलती है। और ये वाला मॉडल भी जो आता है हाई सिलिकन किरिन 659, जो हुआवी का अपना बनाया हुआ प्रोसेसर है। Mali-T830 की ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है यहाँ पर आपको, और क्लॉक फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है 2.36 GHz की और 64 bit का प्रोसेसर है और यहाँ पर भी 4 GB की रैम आपको देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं दोस्तों इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस फैक्टर जरूर लगता है हुआवी के फोन यहाँ पर Honor 7X में। सो जो 7X में डिस्प्ले लगाया गया है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है। 5.93 inch का ये डायगनली डिस्प्ले है। 401 pixel per inch इसकी पिक्सल डेंसिटी है। 77% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है और यहाँ जो रेजोल्यूशन मिलती है वो है FHD+, यानी 1080x1920 यानी 1080x2160। और इसके अलावा यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर मिलती है IPS LCD डिस्प्ले, 401 पिक्सल पर इंच पिक्सल डेंसिटी है, 70% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 5.5 inch डायगनली ये डिस्प्ले दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलती है 1080x1920। और सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट में बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको EMUI की 5.1 स्किन मिलती है एंड्रॉयड नूगट के ऊपर, जो एक मुझे लगता है परफॉर्मेंस में ज़रूर अफेक्ट करता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, शायद मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्पीड टेस्ट दोनों के परफॉर्म करूंगा। नाउ चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ एंड परफॉर्म करते हैं सबसे पहला राउंड, जहां हम दोनों फोन्स को रीबूट करेंगे एक साथ और चेक करेंगे कि दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पहले रीबूट होता है। सो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। 1 2 3 ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर जल्दी रीबूट किया है इस फोन ने Honor 7X ने और MIA1 अभी भी रीबूट हो रहा है। सो लेट्स वेट। राइट, सो अब यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। सो फॉर श्योर ये वाला राउंड जीत जाता है 7X। नेक्स्ट ट्राई करते हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर। सो फिंगरप्रिंट सेंसर में दोस्तों रेयर में ही दोनों फोन्स में फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं एंड चेक करते हैं किसका फिंगरप्रिंट सेंसर जल्दी अनलॉक करता है डिवाइस को। सो विल प्लेस द फिंगर। ऑलराइट, सो 1 2 ऑलराइट, सो 1 2 3 ऑलराइट, सो दैट इज फास्ट इन 7X। काफी ज्यादा मार्जिन है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। 1 2 3 ऑलराइट, सो अगेन 7X जीत जाता है। दोबारा ट्राई करते हैं लास्ट 1 2 3 ऑलराइट, सो फॉर श्योर यहां पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक करने में इस डिवाइस को। सो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, जहाँ पर हम करेंगे ऐप डाउनलोड और इंस्टॉलेशन टेस्ट। यहाँ पर हम दोनों फोन्स में सेम टाइप पे ऐप को डाउनलोड करके देखेंगे और चेक करेंगे कौन से फ़ोन में ऐप इंस्टॉल जल्दी होती है। सो ट्राई करते हैं जियो म्यूजिक से। 1 2 3 ऑलराइट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल्दी था यहाँ इस फोन में MIA1 में। राइट, सो ट्राई करेंगे विंक म्यूजिक। 1 2 3 अगेन यहाँ पर जल्दी हुआ है इस फोन में। लास्ट ट्राई करते हैं हंगामा म्यूजिक। सो लास्ट ट्राई करते हैं हंगामा म्यूजिक। 1 2 3 ऑलराइट,
सो यहाँ पर दो बार जल्दी हुआ है MIA1 में, सो आई गिव दिस टू MIA1। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट राउंड की तरफ जो है परफॉर्मेंस राउंड, एंड सबसे पहले बात करें स्कोर्स की, N2 बेंचमार्क स्कोर और कीक बेंच 4 स्कोर की। तो N2 बेंचमार्क स्कोर कुछ इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर MIA1 का बेंचमार्क स्कोर है 63,349 और ऑनर 7X का बेंचमार्क स्कोर है 58,644 और बाकी रिस्पेक्टिव बेंचमार्क स्कोर्स यहां पर आप देख सकते हैं। और बात करें यहां पर गीक बेंच स्कोर्स की, तो गीक बेंच स्कोर ऑनर 7X में आपको मिलता है 911 सिंगल कोर और मल्टी कोर है 3471, बट यहां पर मल्टी कोर स्कोर ज्यादा है 4269 और सिंगल कोर 875। सो लगता है यहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। चलते हैं अब स्पीड टेस्ट राउंड की तरफ, जहां पर एप्स को हम खोलेंगे साइड बाय साइड और चेक करेंगे कि कौन सा फोन एप्स को जल्दी लोड करता है। फिलहाल यहां पर बैकग्राउंड से मैंने सारी एप्लीकेशंस को क्लियर कर दिया है, अभी फिलहाल कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन नहीं कर रही हैं। ट्राई करते हैं कैम स्कैनर के साथ 1 2 3। ओके जल्दी था 7X में। ट्राई करते हैं फेसबुक अगेन, जल्दी था 7X में। ट्राई करते हैं मिनियन रश, ओके दैट वाज फास्ट इन 7X। अपलोड हुआ है यहाँ। ट्राई करते हैं हाइक, यहाँ MIA1 में जल्दी था। ट्राई करते हैं व्हाट्सएप, अगेन हल्का सा जल्दी था यहाँ पर MIA1 में। ट्राई करेंगे हॉटस्टार, राइट सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही दोनों लोड हुई है। ट्राई करते हैं ड्रैगन हिल्स 2, दोनों ही सेम टाइम पे हुई है, हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मुझे 7X ज्यादा लगा जल्दी लोड हुआ है। फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल है। ट्राई करते हैं Amazon, हल्का सा जल्दी था यहाँ MIA1 में। ट्राई करेंगे रियल स्टील बॉक्सिंग, यहाँ पर दोस्तों दोनों ही फोन्स ने इस ऐप को लोड नहीं किया है, आई गेस चोक हो गए हैं दोनों फोन ही। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको मेमोरी में से हटाता हूँ एंड विल ट्राई वंस अगेन। ऑलराइट सो ट्राई करते हैं रियल स्टील बॉक्सिंग, राइट सो यहाँ पर MIA1 ने फिर भी जल्दी लोड किया है इस गेम को। नेक्स्ट हम यहाँ ट्राई करेंगे Asphalt 8, Honor 7X ने जल्दी लोड किया है। ट्राई करते हैं Modern Combat 5, हल्का सा जल्दी था यहाँ पर MIA1 में एज कम्पेयर टू Honor 7X। ट्राई करते हैं स्नैपचैट 1 2 3, हल्का सा जल्दी था यहाँ पर। ट्राई करते हैं ट्विटर, अगेन सेम ही था रिस्पॉन्स। ट्राई करते हैं इंस्टाग्राम, हल्का सा जल्दी था यहाँ पर। ट्राई करते हैं सेटिंग्स, ओके जल्दी था यहाँ पर। ट्राई करते हैं प्ले स्टोर, थोड़ा सा जल्दी था यहाँ पर 7X में। ट्राई करते हैं फोन ऐप, दैट वाज फास्ट एयर। कॉन्टैक्ट्स, दैट वाज फास्ट एयर अगेन। ट्राई करते हैं मैसेजिंग, हल्का सा जल्दी था। ट्राई करते हैं कैमरा लास्ट ऐप, जल्दी खोला है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम ही रिस्पॉन्स है दोनों फोन्स का। अगर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो ऐप्स में, मतलब 4-5 ऐप्स का डिफरेंस हो, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मैं सेम ही मानता हूँ। सो सेम लेवल का परफॉर्मेंस है, बट जो डिसअपॉइंटमेंट आती है मुझे MIA1 की तरफ से आती है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है, इसको थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना चाहिए था। चलते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट की तरफ और देखते हैं रैम में कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों फोन्स। सबसे पहले ट्राई करेंगे मिनियन रश 1 2 3, अगेन गुड थिंग दोनों ही रैम से ही लोड हुई हैं। ट्राई करते हैं हाइक, यहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी बट इसको दोबारा लोड किया गया है MIA1 में। ट्राई करेंगे हॉटस्टार 1 2 3, यहाँ पर ऑलरेडी रैम में थी बट इसको लोड किया गया है MIA1 में दोबारा से। ट्राई करते हैं ड्रैगन हिल्स 2,
ऑलराइट, इस बार यहाँ पर ऑलरेडी ये रैम में थी बट यहाँ पर दोबारा लोड हो रही है ये गेम। ट्राई करते हैं फ्लिपकार्ट, 1 2 3 दोनों ही रैम में थी। ट्राई करते हैं अमेज़न, दोनों ही रैम में थी। लास्ट ट्राई करते हैं एसफॉल्ट 8। ऑलराइट, ये इस बार रैम में थी बट यहाँ पर ये दोबारा लोड हो रही है। तो लास्ट ट्राई करते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5, दोनों ही दोबारा लोड हो रही हैं। सो अगेन रैम मैनेजमेंट भी 19-20 का ही फ़र्क है, कभी ये अच्छा कभी ये बुरा। सो यहाँ पर जो समझ में आता है रिजल्ट से कि परफॉर्मेंस लेवल आपको दोनों फ़ोन्स में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, दोनों ही इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन्स नहीं हैं और यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस जो है इक्वली आती है या कभी कभार तो कम ही है MI A1 से, Honor 7X से। सो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दो डिवाइसेस के बीच, MI A1 और Honor 7X। बताएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और स्पेसिफिकली ये उन यूज़र्स के लिए था जिन्होंने डिमांड करी थी इन दोनों का स्पीड टेस्ट देखने के लिए। अगर आप इन दोनों का बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर वो वीडियो ला कर दूंगा जल्द से जल्द। ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन दोनों डिवाइसेस के बीच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा मेरे चैनल से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।